मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। देश का पहला ट्रैक्टर मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया जो परली से तैयार होती है। 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है और हमारे देश में 26 प्रोजेक्ट पूरे हुए जो शुरू हुए हैं और 135 प्रोजेक्ट अब प्रोसेस में है और उसमें से बहुसंख्यक प्रोजेक्ट हरियाणा में हो रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस देश में हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल और गैस। अब गेहूं चावल मक्का गन्ना तो हम लगाते हैं पर इससे किसान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अन्नदाता के साथ किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। इसी बात को लेकर एक नई युग की शुरुआत अब देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। अभी इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस और मक्के से इथेनॉल बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। आसाम में बहुत बड़ी रिफाइनरी डाली है जिसमें बांबू से इथेनॉल बनता है। अब इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बनता है और मोलासेस और बी हेवी मोलासेस से भी बनता है। मुझे बहुत खुशी है कि अब किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बना है। मैं आप सबसे और आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अभी मारुति सुजुकी की गाड़ियां भी फ्लेक्स इंजन में आ रही है, आने वाली है, लॉन्च होने वाली है। टोयोटो की सभी गाड़ियां फ्लेक्स इंजन में आने वाली है जिसका भी शुभारंभ अगस्त में मैं लॉन्चिंग करने वाला हूं। अब बजाज टीवीएस और हीरो की स्कूटर मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी आई है। इस फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि पेट्रोल के बजाय हम 100% इथेनॉल का यूज करें। और टोयोटो की एक कैमरी करके गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलती है और 60% पेट्रोल और 40% बिजली पे चलती है। अब टोयोटो जैसी इनोवा और सब टोयोटो की गाड़ी आएगी जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, 60% इथेनॉल और 40% बिजली तैयार करेगी। यानी अगर माइलेज का विचार किया जाएगा तो 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। ग्राहकों का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अब मोटरसाइकिल स्कूटर और ऑटो रिक्शा लेते समय इथेनॉल पर आने वाली लेने का आग्रह करिए। भारत सरकार से हमने इथेनॉल पर पंप भी ओपन करने की शुरुआत की है। मैंने अपने शहर में इथेनॉल पर चलने वाली एयर कंडीशन बसें स्कैनिया कंपनी की बहुत चलाई और अब यह प्रूव हो गया है कि इस देश का किसान हमारा ऊर्जादाता बनेगा। और एक अच्छी बात हुई है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हम गेहूं चावल मक्का गन्ना लगाते हैं उसे एनर्जी क्रॉप्स लगाएं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एनर्जी क्रॉप्स लगाएं और हम बायो सीएनजी बायो एलएनजी के साथ हम लोग बायो डाइजेस्टर में ये जो नेपियर ग्रास है ये और बाकी बायोमास डालने के बाद उससे मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 अलग तैयार करने से बायो सीएनजी बायो एलएनजी बनता है, तब उससे हाइड्रोजन भी बनता है।